हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप ध्रुव राठी जैसे, वॉक्स जैसे, जॉनी हैरिस जैसे, या फिर सोच भाई मोहक मंगल, या फिर आप स्टडी आईक्यू जैसे मैप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं geolayers की। तो फ्रेंड्स, geolayers का यूज करके काफी इजी तरीके से आप इनके जैसे मैप जो है एनिमेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कंप्लीट सीरीज देखने मिलने वाली है। यहाँ पे पार्ट वन लेकर के आया हूं मैं, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना इसको पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे geolayers के बेसिक्स के बारे में, कि बेसिक आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं, उसका लेआउट कैसा होता है, उसमें कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। देन आगे आने वाले वीडियोस में हम कवर करते चलेंगे कि किस तरीके से आपके जो मैप एनिमेशन है उसको आप एडवांस कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं geolayers का जो ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा, तो geolayers 3 आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो कुछ इस टाइप का आपको जो है लेआउट देखने मिल जाता है। तो ये ऑन कैसे करते हैं, तो आप यदि geolayers इंस्टॉल कर चुके हैं तो आपको विंडो में जाकर के यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाएंगे तो geolayers का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कितने में परचेस करेंगे, या फिर ये फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट पर आपको बहुत सारी देखने मिल जाएंगे, तो आप वहां से उन सब चीजों को देख लीजिए। यहां पे आप यदि इंस्टॉल कर लेते हैं, देन उसके बाद आप यहां पे कैसे इसको यहां पे ओपन कर सकते हैं, तो विंडोज में जाना है एक्सटेंशंस में, और यहां पे geolayers का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्सटेंशन यहां पे ओपन होकर आ जाएगा। तो अब यहां पे देखिए, अब आपको कुछ इंटरफेस जो इसका है इस टाइप से देखने मिल जाता है, कि यहां पे न्यू प्रोजेक्ट आपको देखने मिल रहा है, जहां पे आप नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे आप प्रोजेक्ट यदि ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है आपका, तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, यहां से ओपन भी कर सकते हैं उसको। और आपका कोई भी रिसेंट प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे आपको रिसेंटली प्रोजेक्ट के यहाँ पे दिख जाएंगे जितने भी आपने किए होंगे, और यहाँ पे ये कुछ सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे सैंपल्स आपको देखने मिल जाते हैं, कि इस टाइप से यदि आप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, मैप एनिमेशन, तो आप इनको क्लिक करके डायरेक्टली आप उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे 3D लैंडस्केप वगैरह भी इस टाइप से भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको आइकन्स वगैरह देखने मिल जाते हैं, कि यदि मैप में कोई आइकन्स वगैरह आपको यूज करना है तो इनका यूज करके आप वहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इनसे डाउनलोड कर सकते हैं, देन वहाँ पे आप इनको यूज कर सकते हैं। देखिए लेबल्स वगैरह आपको देखने मिल जाते हैं, 3D बॉक्स जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो लेबल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभी आप सिटी वगैरह ऐड करते हैं वहाँ पे उसका जो नाम होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये जो नाम होता है तो वो उन्हीं का लेबल्स इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, तो एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, देन हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से जो है हमें मैप एनिमेशन आगे करना है। तो यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा कि आपको जो प्रोजेक्ट है ये सेव करना है। तो सबसे पहले हम सेव में क्लिक कर लेते हैं, और फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने मिल जाएगा। ये आ रहा है यहाँ पे क्रिएट मैप कॉम। तो जैसे हम नॉर्मल कंपोजिशन जो क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, तो यहाँ पे geolayers में यहाँ पे उसी को मैप कॉम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैप का एक कंपोजिशन क्रिएट होता है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट मैप कॉम्प, और ये यहाँ पे आपको मैप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे आ रहा है, तो जो भी आप फाइल का नाम डालना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं टेस्ट मैप एनिमेशन, तो यहाँ पर हमने जो नाम डाल दिया। देन इसके बाद में साइज आ रहा है, कि रेजोल्यूशन आपको किस साइज में आपको यहाँ पे वीडियो जो है बनानी है। तो जैसे कि हमने 1920x1080 यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, हम फुल HD में ही बनाने वाले हैं। देन यहाँ पे फ्रेम रेट आ रहा है 25 FPS यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते जितना भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 30 कर दे रहा हूँ इसको। देन यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है कि कितने सेकंड का जो है आप कंपोजिशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 30 सेकंड डिफॉल्ट रहता है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि 30 सेकंड अभी हम केवल देख रहे हैं कि किस तरीके से मैप एनिमेशन क्रिएट करने वाला है। तो इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में अलग अलग मैप के स्टाइल है, तो यहाँ पे आप अलग अलग मैप स्टाइल चूज कर सकते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट अभी ये चूज है। देखिए यहाँ पे अगला स्टाइल जो ये है आपको देखने मिल जाती है, देन अगले स्टाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे केवल आउटलाइन देखने मिल रही है आपको। यहाँ पे इस टाइप से आपने देखा होगा काफी सारे स्टडी आईक्यू वगैरह में इस टाइप का मैप एनिमेशन यूज किया जाता है। देन आगे जाएंगे तो आउटलाइन है केवल, यहाँ पे जाएंगे तो गूगल अर्थ जैसा यहाँ पे आपको लुक देखने मिल जाता है, यहाँ पे पूरा ब्लैक एंड व्हाइट लुक आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। और ये देखा होगा आपने जॉनी हैरिस जो वॉक्स के जो वीडियोस होते हैं, मैप के स्टाइल के लुक आपको काफी ज्यादा देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको मैप यहाँ पे स्टाइल देखने मिल जाएंगे, जो आप इनमें से कोई सा भी मैप स्टाइल चूज करके आपके जो वीडियोज हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको कोई सा भी एक मैप स्टाइल चूज कर लेना, देन क्रिएट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो कंपोजिशन है मैप कंपोजिशन वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो आप देखेंगे आप यहाँ पे टाइमलाइन में, तो आपको एक यहाँ पे मैप
कंपोजिशन आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पे टाइमलाइन में आपको दो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो एक तो आपकी मैप कंपोजिशन जो आपने क्रिएट की है वो आ गई है, देन दूसरी जो है इसका एंकर पॉइंट आ चुका है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको जो इंटरफेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे साइड में तो ये जो मैप बॉक्स है तो यहाँ पे ये पूरा लाइव पेरेंट है। तो स्क्रीन में आप इसको जैसे थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो मैप है ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके हेल्प से काफी ज्यादा ईजी हो जाता है यहाँ पे मैप एनिमेशन। आपको अलग अलग मैप ढूंढ करके लाने नहीं है ताकि उसके ऊपर फिर आप एनिमेट कर सकें उसको। बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग है, बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कोई मैप एनिमेशन जो है यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इंडिया में, तो इंडिया में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम यहाँ पे। जूम कैसे करना है आपको, जो माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ना, तो इसको आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे ऊपर साइड में और नीचे साइड में। तो आप ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप जूम इन कर पाएंगे, नीचे साइड करेंगे स्क्रॉल तो आप जूम आउट कर पाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद में देखें यहाँ पे हमने इस मैप को यहाँ पे चूज कर लिया है, इतना साइज हम यहाँ पे रख लेते हैं मैप का। देन अब यहाँ पे हमको जो है मैप एनिमेशन करना है। तो इसमें मैप एनिमेशन कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में जो है सिंपल एक कवर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं किसी भी जगह का नाम, जैसे सिटी वगैरह हो गई तो इनको आप सर्च कर सकते हैं। जिस भी जगह का आप मैप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसमें सर्च बॉक्स में आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे सर्च करना है मुंबई को। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पे मुंबई सर्च किया तो आप नीचे देखेंगे तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट देखने मिल जाएगी। तो अलग अलग जैसे मुंबई है, नीचे मरीन ड्राइव आ चुका है, यहाँ पे नानावती हॉस्पिटल आ चुका है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको रिजल्ट शो करेंगे। तो आपको देख लेना है यहाँ पे जैसे मुंबई महाराष्ट्र इंडिया ये पूरा कंप्लीट लिखा हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे बटन आपको दिखाई देंगे, आइकन जो है। तो यहाँ पे आपको जो डाउनलोड वाला बटन है तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो मैं यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे एक फीचर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मुंबई की एक लेयर यहाँ पे आकर ऐड हो चुकी है। देन इसी तरीके से आप दूसरी सिटी ऐड कर लीजिए। तो एक जगह से दूसरी जगह यदि हम रूट मैन एनिमेशन करते हैं, रूट मैप एनिमेशन, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। फिर जैसे कि मैं दिल्ली टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने दिल्ली टाइप किया तो यहाँ पे दिल्ली आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इसके डाउनलोड बटन में क्लिक कर दूंगा जैसे, तो ये यहाँ पे दिल्ली भी आ चुका है। अब हमारे पास में दो सिटी है यहाँ पे, हम दोनों का जो है रूट मैप एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए कितनी इजी तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि इन दोनों को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा आप यहाँ पे आएंगे जैसे, तो कनेक्ट फीचर वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो इसमें आप क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आप यहाँ पे जो है एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी सिंपल हम यहाँ पे कार पे क्लिक कर देंगे, और कार पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे एक रूट आ चुका है। यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रूट दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो उसको यहाँ पे लाने के लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारे जो नई लेयर यहाँ पे आ चुकी है तो इसमें हम क्लिक करके ये ड्रॉ वाले फीचर में हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा ना ड्रॉ फीचर्स, यहाँ पे ड्रॉ फीचर पाथ, तो हम ड्रॉ फीचर पाथ में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे पास में यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ जाता है कि कितने टाइम के लिए आपको यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई सा भी टाइम डाल सकते हैं, जैसे हमारा टोटल जो कंपोजिशन की साइज है वो 30 सेकेंड है, तो बट यहाँ पे हम डाल देते हैं कि 20 सेकेंड में हमारा जो है एनिमेशन जो है कंप्लीट हो जाए। तो हमने यहाँ 20 डाला, देन यहाँ पे क्रिएट एनिमेशन कर देंगे हम। तो देखें अब आप यहाँ पे हमारे टाइमलाइन में एक नई लेयर आ चुकी है, सेप लेयर। तो आप देखेंगे कि जो हमारा पाथ है उसकी जो कंप्लीट लेयर है वो यहाँ पे आ चुकी है। और साथ ही साथ में यदि आप देखेंगे कि मैं टाइम इंडिकेटर को आगे लेकर आ रहा हूँ तो ये देखिए जो पाथ है वो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। तो देखिए मैं इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा दिया है। और अब आप देखेंगे कि इसका जो मैं कलर है वो चेंज कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसका जो पाथ है, देखिए मैं आगे कर रहा हूँ तो यहाँ पे एनिमेट होते हुए पूरा आ रहा है। तो आपको अलग से एनिमेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पे। तो यदि मैं यू प्रेस करूंगा इस लेयर को सिलेक्ट करके, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली 20 सेकेंड पे यहाँ पे की फ्रेम लगी हुई है। हमने 20 सेकेंड वहाँ पे सेट किया था एनिमेशन का टाइम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे की फ्रेम लगी हुई है। नहीं तो ये चीज़ आपको ट्रिम पाथ से एनिमेट करनी होती, तो आपको यहाँ पे वो भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली यहाँ पे उस लेयर में एनिमेशन के साथ में ये लेयर जो है इम्पोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो सिटी के नाम है तो वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो नाम ऐड करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है यहाँ पे। जैसे कि मैं मुंबई में क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे जो है आपको लेबल्स वाला फीचर जो आपको देखने मिल जाता है, तो इसमें आप क्लिक करेंगे, ऐड लेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जो नाम है यहाँ पे आ चुका है मुंबई का, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एनिमेशन भी इसमें देखने मिल रहा है। तो ये देखिए इस टाइप से आपको एनिमेशन भी यहाँ बॉक्स का देखने मिल जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे दिल्ली में क्लिक करेंगे तो दिल्ली में जाकर के यहाँ ऐड लेबल में क्लिक करेंगे तो
तो ये देखिए दिल्ली का भी नाम जो है यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और साथ में इसमें भी आपको एनिमेशन देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा इजी यहाँ पे हो जाता है आपको जो मैप एनिमेशन क्रिएट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको जो एनिमेट करके देखते हैं सिंपल जो हमारा बेसिक एनिमेशन है वो हम यहाँ पे करके देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मुंबई में यहाँ पे आएगा देन इसके बाद में हमारा जो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखे अब इसके बाद में हमारा जो पाथ एनिमेशन है स्टार्ट हो रहा है और ये जा करके यहाँ पे दिल्ली में पहुंचेगा देन दिल्ली वाला जो है हमारा एनिमेशन टाइटल का एनिमेशन जो है वो आ जाएगा। ये देखिए दिल्ली का एनिमेशन आ गया और यहाँ पे जो है हम इसमें थोड़ा सा इसको एनिमेट करेंगे मैप को थोड़ा सा मूव करके देखेंगे किस तरीके से जो हमारा एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे जो है इसमें की लगा देंगे तो जैसे तो ये जो हमारी मैप कॉम्प है जो हमारी सबसे नीचे वाली लेयर है तो इसमें हम यहाँ पे अभी स्टार्टिंग पॉइंट में आकर के की लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे आपकी सारी जो कीज है यहाँ पे लग चुकी है यहाँ पे देन हम आगे आएंगे और लास्ट फ्रेम पे हमको कैसा एनिमेशन चाहिए वो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे आप जूम इन करते जाएंगे तो आपका जो मैप फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे आकर के इसको हम टिल्ट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका जो मैप एनिमेशन है कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पे देखिए जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जूम इन होता जा रहा है और ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है इस टाइप से एनिमेशन जैसे जैसे हमने यहाँ पे मूवमेंट दी थी वैसा वैसा जो है यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से जो है आप यहाँ पे मैप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी सारे आपको अलग अलग फीचर्स देखने मिल रहे हैं तो इन सभी फीचर्स को हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस पे। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको बना रहा हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको जियोलेयर्स के बारे में किस तरीके का इंटरफेस है यहाँ पे किस तरीके से आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियोस में अब मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स इसकी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में कि किस तरीके से आप इस जियोलेयर्स प्लगइन का जो है यूज करके आप काफी इजी तरीके से काफी अच्छे अच्छे जो है मैप यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये मैप को चेंज करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो सेटिंग्स का ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप कोई सा भी मैप जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कोई सा भी मैप यहाँ पे चूज कर सकते हैं और किसी भी तरीके का मैप यहाँ पे आप चूज करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन यदि यहाँ पे आप देखेंगे जो टेक्स्ट लेयर आ रहे हैं तो इन टेक्स्ट को यदि आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ए वाला आइकन है इसमें क्लिक करेंगे तो ये सारे टेक्स्ट बंद हो चुके हैं। अब जो केवल टेक्स्ट आप दिखाने वाले हैं तो केवल वही दिखाई देंगे। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो मैप है हमारा तो थोड़ा सा ब्लर ब्लर टाइप से दिखाई दे रहा है। इसको पूरा क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा जो फाइनलाइज वाला जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप तो थोड़ा सा प्रोसेस हो रही है। तो ये प्रोसेस होने के बाद में ऑटोमेटिकली देखिए कितना जो क्लियर मैप है वो यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है। तो अब पूरा का पूरा मैप एनिमेशन जो भी आपने किया है तो पूरा यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई देगा। जो मैप कॉम्प वाली जो लेयर है हमारी ये वाली लास्ट वाली तो इसमें पूरा वो डाउनलोड हो चुका है। इस कारण से जो यहाँ पे क्लियर व्यू आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसका जो शेप लेयर है इसका कलर जो चेंज करना चाहते हैं हम तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरीके के आप यहाँ पे यूज़ करके इसको काफ़ी इजी तरीके से आपका जो मैप एनिमेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने जो है बेसिक आज की इस वीडियो में कवर किया है। आने वाले वीडियोज़ में जो पार्ट टू वीडियो आएगा तो वहाँ पर हम थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे कवर करेंगे और उसके बाद में पार्ट थ्री भी कोशिश करेंगे कि पार्ट थ्री में जो चीजें छूट जाती हैं तो वो पार्ट थ्री में हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने जियो लेयर्स के बारे में दी हैं आप लोगों को पसंद आई होंगी। और यदि आप इसका और भी आगे आप किस तरीके के मैप एनिमेशन आप सीखना चाहते हैं चाहे वो किसी भी यूट्यूबर के जैसा हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं तो हम उन फीचर्स को भी कवर करेंगे अगले आने वाले पार्ट में। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।